मंदसौर मंडी में चने की नीलामी भी चल रही है, क्योंकि 3 दिन बाद आज मंडी मंडी खुली है और अगले 3 दिन खुली रहेगी। इसके बाद में करीब 4 दिन फिर मंडी की छुट्टी आ रही है, तो ऐसे में जो है मंदसौर मंडी के अंदर नीलामी चने की जा रही है। चने काफ़ी अच्छी आवक बताई जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ व्यापारी होंगे, इनसे बात करेंगे। सर जी, क्या रहा है, क्या जो मंडी में है वो कितने बोरी चना आए हैं और आज क्या भाव रहा है, इस सब की हम बात करेंगे। तो क्योंकि व्यापारी थोड़े व्यस्त हैं और कोशिश है कि हम किसी तरह से इनसे बात कर लें और आगे की जो स्थिति है क्या रहेगी, क्या होना है। हमारे साथ है सर जी, एक मिनट हम आपसे थोड़ी सी बात करना चाहेंगे कि आज एक ढेर और देख लो, चलिए इनका कहना है कि एक ढेर और देख लेंगे, चूँकि नीलामी चालू है तो समय नहीं है, इसलिए क्या है कि ये एक ढेर और इसके बाद की बात कर रहे हैं कि एक ढेर जो नीलाम है होना है वो और हो जाए। तो हमारे साथ जो अमन भैया है, अमन भैया आज 3 दिन बाद मंडी खुली है और अगले 4 दिन फिर छुट्टी आने वाली है, कितनी आवक रही होगी मंडी में और क्या भाव चल रहा है? आवक आज 600-700 बोरी रही है। ये किसकी है? चने की है। चने की है। और क्या रहा आज भाव में? क्या आज भाव साधारण ही है, वही 53-53 बिक रहा है उचे में, और सॉरी और काटिया चने बिक रहा है 5450-5450। अच्छा अच्छा, हाँ जी। अच्छा, तो हमारे साथ एक और युवा व्यापारी हैं। सर क्या नाम है आपका? आदेश जैन। हमारे मार्केट टाइम टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आगे क्या रहने वाला चना चने में? चना अभी तो फिलहाल साधारण ही रहने वाला है, जो भाव आज बिके वही बिकेंगे। अभी क्या भाव बिका आज? अच्छा चना विशाल 54 के आसपास बिका है, 54-54। अच्छा जी, तो आगे क्या स्थिति रहने वाली है, क्योंकि 4 दिन बाद छुट्टियाँ आने वाली है? अभी कल तो सामान ही रहेगा। अच्छा, अभी तो यही है। धन्यवाद। ठीक है, अभी जो चना है वो समान भाव है, लेकिन आगे जो छुट्टियाँ हैं उसमें भी व्यापारी बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उछाल आना संभव नहीं है। फिलहाल मंदसौर मंडी के अंदर 2 वेरायटी आती है, काटिया चना और एक विशाल वेरायटी आती है। 55-56 तक का भाव यहाँ चने का बताया जा रहा है। कुछ और जिन्सों का हम भाव लेंगे कि क्या भाव है और आगे किस तरह का उनका बाजार रहने वाला है, क्योंकि चने का बाजार में बहुत ज़्यादा उछाल आने की बात व्यापारी नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल ये माना जाए कि छुट्टे के बाद में भी जो भाव चने का भाव है वो सामान्य ही रहने वाला है। मार्केट टाइम टीवी के लिए मंदसौर से मैं दीपक शर्मा।